हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त केतन और एक बार फिर आया हूँ एक नई वीडियो के साथ जो कि बहुत ही ज़रूरी थी गाइस। बहुत सारे स्टूडेंट को ये दिक्कत आ रही है कि लास्ट का टाइम है, अभी सिर्फ एक हफ्ता बचा है, इस हफ्ते में ऐसा क्या किया जाए, क्या पढ़ा जाए। गाइस एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ मैं आपको गाइस। देखो कि इस धरती पर पानी कितना है, आप डॉक्टर्स हो ना, 71% कुछ वाटर है, जहाँ देखो आप पानी ही पानी है, पानी ही पानी है, पानी ही पानी। लेकिन आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना, तो पीने लायक कितना है गाइस? ऐसा तो नहीं आप जा रहे हो और सिर्फ ऐसे मुँह खोल के पी लिया, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो इसी एग्जांपल की वजह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गाइस देखो, मटेरियल इतना है, नोट्स इतने सारे हैं ना, यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस आ रही है कि दो दिन में क्रैक करेंगे, दो दिन में ये कर लो आपका नेट क्रैक हो जाएगा। अभी गाइस कुछ हो नहीं सकता लास्ट हफ्ते में, और आपको जो गीता माना जाता है पढ़ाई की, वो है NCERT हमारे लिए गाइस। NCERT को कैसे पढ़ना है गाइस? एकदम ऐसे मैग्नीफाई कर करके पढ़ना है। NCERT कर सकते हो अगर आप दिन के 8 घंटे पढ़ रहे हो ना, तो आपको 8 घंटे NCERT ही पढ़नी चाहिए गाइस। क्योंकि आखिर के समय में जितना NCERT देखोगे, और वो भी स्पेशली अगर आप केमिस्ट्री और बायो को कर रहे हो, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के NCERT को बहुत ध्यान दो, क्योंकि आप फिजिक्स पे ना NCERT में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है गाइस। तो फिजिक्स तो आप ज़्यादा कुछ मत करो, बस फॉर्मूलेज कर सकते हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि 7 तारीख है गाइस और बस एग्ज़ाम आने वाला है। और आपको ऐसा नहीं कि लास्ट मोमेंट तक पढ़ते रहना है। देखो, किसी भी कंप्यूटर एग्जाम के, और स्पेशली ये जो कंप्यूटर एग्जाम होती है ना, इनकी तैयारी कभी नहीं होती, आप कभी सेटिस्फाई नहीं होती। आप कभी नहीं कह सकते कि मेरा एग्ज़ाम का तैयारी हो गया, आप कभी नहीं कह सकते। जितना करो उतना कम ही लगेगा, क्योंकि सिलेबस इस प्रकार है ना कि आपको फीलिंग आएगा नहीं कि हाँ मैंने कर लिया, ऐसा कुछ है नहीं। तो गाइस यही फोकस करो कि आप जो कर रहे हो ना, NCERT से ज़्यादा अभी आपके हाथ में कुछ नहीं कर सकते। और फिजिक्स को भी आप सिर्फ फार्मूलाज देखो, मैकेनिक्स वाला पार्ट तो अभी छोड़ो ही, मतलब जो थियोरेटिकल पार्ट है, जैसे मॉडर्न कर लिया, थर्मोडायनेमिक्स के फार्मूले दोनों तरह, क्योंकि केमिस्ट्री में भी आता है, इधर भी आता है, रेडियो एक्टिविटी कर लो, दोनों जगह होगा। और लास्ट में ना गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा आप 8-9 तक आप पढ़ सकते हो। उसके बाद क्या करो कि आपको 2 एग्ज़ाम देना हो, जो भी आपका टाइम हो उसी टाइम में आप एक बार एग्ज़ाम दीजिएगा। नीट से पहले कम से कम 2 पेपर आप दे दो घर पे, तो एक फील आएगा, और उस समय आप पढ़ सकते हो, मतलब दिमाग कैसे चलेगा उससे आपको एक सेट कर सकते हो। इसी के साथ बस समय आ गया आपसे विदा लेने का। अब मिलते हैं गाइस।